रहा है कि वानर सेना कितनी मजबूत थी। और आज भी अगर उन राम सेतु में जो पत्थर हैं इतने बड़े बड़े हैं, मानो अपना एक 10x10 का कमरा हो, इतना बड़ा बड़ा एक पत्थर जिन्होंने देखा उन यंत्रों के द्वारा, 10x15 का, 12x15 का अपना एक कमरा होता है ना कैसा रहने का, ऐसा एक एक पत्थर बड़ा बड़ा वो लगा है। तो ये शक्ति कहां से आई इतने बड़े बड़े पत्थर उठाने की? तो मानना पड़ेगा कि दैवी शक्तियां अनुग्रह अपना बरसाने को तैयार हैं, पर गतिवान होना चाहिए आदमी, साधना में, सेवा में, सुमिरन में, भक्ति में, गंगा की तरह प्रवाहमान संकल्प हो। ऐसा नहीं कि एक बार संकल्प किया फिर बैठ गए, मेरा तो संकल्प किया हुआ है, हाँ भगवान पूरा करेंगे। अरे तो तुम भी साधना करो, गंगा जी का संकल्प कैसा प्रवाहमान, यात्रा चालू रखिए गंगा जी। ऐसे ही भक्त अपने अंदर भक्ति की गंगा लहराता चलो तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मितव्ययता, तीसरी बात शिष्टता, श्रद्धा भक्ति हमारी मजबूत हो उसके लिए शिष्टता। शालीनता बिना मोल के मिलती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। सारे सद्गुणों का स्वामी आदमी बन सकता है। तो शिष्टता, शिष्टता मतलब कि गुरु के सामने ऊंची आवाज में न बोलना, शिष्टता मतलब गुरु के आगे, ईश्वर के आगे, गुरु साक्षात परब्रह्म उनके आगे अपनी शुद्र मांग न रखना। गुरु के दर्शन हुए, मैं आगरा में था, आश्रम में कार्यक्रम था, गुरुदेव का सत्संग था, तो एक महिला आई, बोले मैं कलकत्ता से आई हूँ, हमारे को बहुत तकलीफ है, आप हमारी बापूजी से बात करा दो। मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोले मेरी बहन जो आगरा में रहती है उसका बेटा चल फिर नहीं सकता है, व्हीलचेयर पे है कुछ वर्षों से, जन्म से नहीं है पर कुछ दवाओं का रिएक्शन हुआ। मैंने उनको कहा बस इतनी छोटी सी बात है? बोले आपको ये छोटी बात लगती है? मैंने कहा बिल्कुल छोटी बात है, हमने छोटी बातों को महत्व ज्यादा दे दिया है। ईश्वर के आगे, गुरु के आगे दुख को बड़ा करके मत रखो, दुख के आगे ईश्वर और गुरु को बड़ा करके रखो कि देखते हैं कि आज किसका जोर चलता है। तेरा जोर चलेगा ही नहीं, मेरे सदगुरु महान है, मेरे ईश्वर महान है, मेरा इष्ट मंत्र महान है, उसके आगे तेरा जोर नहीं चलेगा। मैं एक जगह रात को सोया था, कमरे में अकेला था और जिस घर में रुका था मैं वो बहुत समय से बंद ही पड़ा था। तो आधी रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई प्रेत उसमें रहता था और वो मेरे पर हावी हो रहा था, मेरा गला दबाने की कोशिश करे, मेरे पूरे शरीर को जकड़ने की कोशिश करे। तो मैंने तो ओमकार का गुंजन किया, आंख खोली, बत्ती जलाई, बहुत समय से मकान बंद पड़ा रहता ना, तो हो सकता है कोई अंदर प्रेत घुस के बैठ जाए। तो मानो उसको लग रहा था मैं उसके घर में घुसा, वो मुझे भगाने की कर रहा था। मैं तो उठ के एक माला मैं रखता ही हूं गले में, कभी कभी रूम पे रह जाती है, तो जप करके मैंने फिर गले में डाल दी। चलो अपना एक माला आधी रात को भगवान ने जप करा दिया, धन्यवाद उस भूतराज को, प्रेतराज को, कि उसने आधी रात को मुझे उठाया और एक माला भगवान नाम जप हो गई। मैं भी खुश हो गया कि चलो इस माने आधी रात को जप हो गया ना, उसके निमित्त माला से जप करके फिर सो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर कई लोग तो डरते रहते हैं, अकेले सो भी नहीं पाते कि कोई है, कोई है, कोई है, कोई मित्र, कोई परिवार का व्यक्ति साथ में है, कमरे में सोए हैं तो निश्चिंत है, अब कोई बात नहीं। पर भगवान और गुरु साथ में है ये भरोसा क्यों नहीं? मंत्र मिलता है ना गुरु के तरफ से शिष्य को दीक्षा में, तो मंत्र के रूप में सदगुरु उसके साथ ही हैं, फिर क्यों डरे कि वो मेरा बिगाड़ देगा, वो मुझे मुसीबत में डाल देगा।
नहीं नहीं नहीं, गुरु का मंत्र रक्षणहार ब्रह्म होता है, वो भक्त की मुसीबत को दूर करने में सक्षम है, समर्थ है। इसलिए दीक्षा में जो मंत्र मिला उसका जप आदर से और नियम से करना चाहिए, और नहीं मिला है तो गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है उसका जीवन तो ऐसा है कि बिल्डिंग तो बनी है पर उसकी नींव मजबूत नहीं है, कब गिरे पता नहीं। दीक्षा नहीं है जीवन में, गुरु की भक्ति नहीं है, तो वो आदमी ऐसा है कि जैसे कोई आदमी नदी के पानी पर रेती से दीवार बना रहा है, कब गिरे, गिरे क्या, बनेगी नहीं। और समझो चलो उसने बना दी तो टिकेगी कब तक। इसलिए मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। एक भाई ने पूछा कि हम भक्ति तो करते हैं, जप भी करते हैं, जल्दी उठते हैं, पाठ करते हैं, परंतु और निश्चय भी किया हुआ है कि भाई हमको तो भक्ति ही करनी है, हमको तो गुरुदेव ने जैसा बताया ऐसा जीवन जीना है, अपना भला करना है, ये निश्चय भी किया है, पर फिर भी हमारा मन साथ नहीं देता, मन जप में नहीं लगता है, पाठ में नहीं लगता है, क्या करें। मैंने कहा भाई देखो, हकीकत में तो मनुष्य को अपने निश्चय को मूल्य देना चाहिए, अपने निश्चय को मूल्य देना चाहिए। मेरा मन नहीं लग रहा है जप में, इसको महत्व क्यों देना। मन नहीं लग रहा है ना, आपने तो निश्चय किया हुआ है कि भाई मुझे भक्ति करनी है, मुझे 10 माला जप करनी है, मुझे भगवत गीता का पाठ करना है, मुझे गुरु गीता का पाठ करना है, आपने निश्चय किया है तो आप अपने निश्चय को महत्व दो। पर लोग गलती ये कर देते हैं कि लोग उसको महत्व दे देते, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है, आप तो लगे हुए हो, आप तो जप कर रहे हो, तो बस आपने निश्चय क्या किया हुआ है। देखो रात को स्वप्न आया, ठीक है, क्या स्वप्न आया कि 6 साल जेल में रहे, समझो किसी को स्वप्न आया, सपने में 6 साल जेल काटी, सजा जेल में, अब आंख खुल गई, तो आप बताओ रात को 6 साल जेल में काटे सपने में तो वो महत्वपूर्ण है या 1 मिनट का जागना महत्वपूर्ण है, सोचिए। याद करके रोते रहेंगे कि अरे मैंने सपना देखा 6 साल जेल में रहे, अरे बड़े परेशान रहे, बड़े परेशान रहे, अरे जागने को महत्व दो, एक क्षण आप जागे उसको महत्व दो कि गई सजा पूरी हो गई, जाग गए पूरी हो गई बात। पति आया ऑफिस से घर रात को, देर से आया, पत्नी को कहा अपने को सुबह जाना है, ट्रेन पकड़नी है जल्दी, तू सामान तैयार कर, मैं थका हुआ हूं, मैं सो जाता हूं। पति सो गया, तो सोते समय जो लोग सीधे सोते हैं और छाती पर हाथ रखकर सोते हैं उनको नींद में सपने निश्चित रूप से आते हैं फालतू, इसलिए सोते समय सीधे लेट गए, श्वास भीतर जाए बाहर आए, उसमें थोड़ा भगवान नाम जप किया या मानसिक गुरु मंत्र का जप किया, फिर बाई करवट लेकर सो गए, नींद आने लगे ना बाई करवट लेकर सो जाओ तो क्या फायदा होगा कि नाक का दायां स्वर चलता रहेगा नींद में और जो खाकर सोए हैं वो हजम हो जाएगा, और दक्षिण में सिर करके सो नींद जल्दी पूरी होगी, थकान जल्दी उतरेगी, भले आप 3 घंटे ही सोएं पर मानो पूरी रात का आराम हो गया, थकान सारी उतर गई अगर दक्षिण में सिर करके सोते हैं तो। मैं यात्रा में जाता हूं ना तो कई बार रात को 1-1.5 बज जाता है पहुंचते पहुंचते, दक्षिण में सिर करके सोता हूं 3 घंटे में नींद पूरी हो जाए, और बाई करवट लेकर सोए ताकि नींद में नाक के दाहिने स्वर से श्वास चलता रहे, फिर भले थोड़ी देर के बाद करवट बदल ली पर सोते समय ऐसे सोए, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो वो आदमी सपना देखने लगा,
कि उसने बैंक लूटी, भागा, पुलिस पीछे पड़ी, पकड़ लिया पुलिस ने, जेल में डाल दिया, 10 साल की सजा, 6 साल तक उसने सजा भोगी, और याद आई अपनी पत्नी और बच्चों की कि वो बेचारे मेरे बिना क्या कर रहे होंगे, तो जेल का ताला तोड़ दिया। सपने में तो देर क्या लगी, सब जल्दी जल्दी हो जाए। 6 साल सजा भी भोगी, ताला भी तोड़ा, ताला तोड़ के बाहर निकला तो पुलिस वाले ने डंडा मारा, कहां जाता है रे, 4 साल सजा बाकी है। तो उसकी आंख खुल गई, पत्नी को बोलने लगा, 6 साल सजा भोग ली, 4 साल सजा बाकी है, वो कौन भोगेगा। पत्नी ने कहा, सो जाओ मेरे पति देव, वो तो सपना था। बोले, सपना तो था पर मैंने 6 साल सजा भोगी, 4 साल कौन भोगेगा। पत्नी कहती है, पति देव सुनो, अब आप जाग गए ना, इसलिए 4 साल सजा आपकी माफ हो गई, अगर सोए रहते तो 4 साल सजा और काटनी पड़ती जेल में, अच्छा हुआ आप जाग गए इसलिए 4 साल माफ। ऐसे ही सदगुरु के सत्संग द्वारा जो मोह की नींद से जाग गया उसकी जन्म मरण की सजा माफ हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर मोह की नींद में सोया रहा तो फिर सजा चलती रहती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए जागना एक क्षण का वो महत्वपूर्ण है। तो गुरु की सत्संगति वो शिष्य को जगाती है, और गुरु का सत्संग सुनकर निश्चय, गुरु की दीक्षा लेकर निश्चय, फिर भले कभी मन ना भी लगे पर निश्चय तो किया हुआ है ना कि मुझे बापूजी का दिया हुआ मंत्र ही जपना है, मुझे अपने सदगुरु की शरण में ही रहना है, मुझे अपनी स्थिति अंदर से मजबूत करनी है, बाहर से परिस्थिति कैसी भी आ जाए मुझे भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ना है। ये निश्चय को मूल्य देना चाहिए, फिर कभी मन लगा जप में कभी न लगा कोई बात नहीं, मन लगे न लगे क्या है, मेरा निश्चय तो यही है। निश्चय को महत्व दीजिए, मन के लगने न लगने को महत्व मत दीजिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते हैं, ठीक है ना। अभी अगर आपके पास कोई चाय रखे, जो चाय नहीं पीते हैं उनके पास कोई चाय का कप लाकर रखे कि लो भाई साहब चाय पियो, आप बोले कि नहीं मैं चाय पीता ही नहीं भाई माफ करो। बहन के पास कोई लाए कि लो दीदी चाय पियो, तो बहन बोले कि मैं चाय पीती नहीं हूं माफ करो, ठीक है। कई पीते भी हैं वैसे, कई लोग तो ऐसे बहाने बनाते हैं कि हमको चाय नहीं मिलती तो सिर दर्द हो जाता है, लो चाय नहीं मिलती इसलिए सिर दर्द हो जाता है। ये तो आदत पड़ गई रोज, वो आदत का सुख एक दिन नहीं मिला इसलिए मन ने सिर दर्द पैदा कर लिया, था नहीं ये तो आदत है, बस इतना टाइम हुआ अरे चाय का टाइम हो गया, चाय तो मिलनी चाहिए। तो जिनको चाय का बहुत शौक हो ना वो संकल्प करें कि भाई आज है शुक्रवार, संतोषी माता का वार है, चलो आज संतोषी माँ के नाम से अपन अगले शुक्रवार तक चाय नहीं पिएंगे। हमारा एक मित्र था परिचित, तो वो शुक्रवार को रोटी नहीं खाता था, अन्न तो खाता था, अन्न मतलब चने और गुड़ खाता था बस, संतोषी माँ को भोग लगा के चने और गुड़ खाता था। मैं उसको पूछता था कि तू ये चना और गुड़ खाता है शुक्रवार को, बोले धनवान बनने के लिए, मेरे को पैसा कमाने की बहुत इच्छा है। और सचमुच आज उसके पास खूब पैसा है, शुक्रवार को चना और गुड़ी खाता था। चना तो अन्न में आता है ना, तो चना और गुड़ खाए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं कि आप भी शुक्रवार को चना और गुड़ खाओ, ये बात बता रहा हूं, कई लोग होते हैं। तो अपने निश्चय को महत्व देने वाला आदमी वो शाश्वत धन को भी पा सकता है। उसने निश्चय को महत्व दिया मुझे रुपया पाना है, तो रुपया बहुत कमा लिया उसने। तो भक्त निश्चय करता है कि मुझे भक्ति पानी है, मुझे पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पानी है। सावित्री ने यमराज से पति के प्राण लौटा लिए, भीष्म ने मृत्यु को पीछे धकेल दिया, वानर सेना ने राम सेतु बना दिया, तो मैं क्या नहीं कर सकता और क्यों नहीं कर सकता। मेरे पास शरीर मन और बुद्धि, ये 3 खदाने हैं, जैसे कोई सोने की खदान हो, हीरे की खदान हो। अच्छे अंकों से जो बच्चा पास हो जाता है ना उसको स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। अपने कई साधकों के बच्चे मैंने देखे,
आगरा के दो भाई अंकित अग्रवाल वैभव अग्रवाल सारस्वती मंत्र की दीक्षा बापूजी से ली और फर्स्ट आते थे। उनको यहाँ भी स्कॉलरशिप मिलती थी, अभी अमेरिका में पढ़ते हैं तो हर महीने $1,950 स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा एक लड़का साल का 24 लाख रुपया उसको स्कॉलरशिप मिलती थी अमेरिका के न्यूयॉर्क में, महीने का 2 लाख रुपया, लोग कमा नहीं पाते हैं बेचारे, उसको महीने का 2 लाख रुपया स्कॉलरशिप मिलती। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मिलावट करके नहीं बोल रहा हूँ। मिलावट करके वो बोलता है जिसको किसी को प्रभावित करने की इच्छा हो। मुझे आपको प्रभावित करना नहीं, और दूसरों को प्रभावित वो करना चाहता है जिसको दूसरों से कुछ लेना है। मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं है। मैं आपसे कभी कुछ मांगू तो आप मुझे बापूजी का शिष्य ही मत मानना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो 24 लाख रुपया एक साल का। तो फिर से मैं कहूं कि उत्तम मन स्थिति उत्तम परिस्थितियों की जन्मदात्री है। अपनी आंतरिक स्थिति बढ़िया रखें। कभी किसी बात से मन में दुख हो भी जाए तो भी ये सोचें कि भगवान मेरा सब तरफ से मन हटाकर अपने में लगाना चाहते हैं। और है, और वो आदमी भाग्यवान है जिसका और तरफ से मन हट जाए, ईश्वर में और गुरु में लग जाए, उसके जैसा तो कोई भाग्यशाली नहीं। ऐसा मत सोचो कि हमारे संसार में तो हमको धोखा ही मिला। रहे ठीक है, ईश्वर ने सब तरफ से मन हटाकर अपने में लगा दिया, ये कितनी बड़ी बात है। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान होके नित्य विद्यमान को चाहे। जो नित्य विद्यमान है उसको चाहना कितनी बड़ी बात है। नित्य विद्यमान शरीर नहीं है आपका मेरा, रहेगा सदा। बोलो बहनों, शरीर रहेगा आपका हमारा सदा नहीं रहेगा। दादा परदादा चले गए तो अब हमारा कब तक रहेगा। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल कहां होंगे। इसलिए भाग्यवान वही है जो भगवान को गुरु को चाहता है। वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। सदा ही भोग के सामान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे। अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे। वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे। और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे, और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे।
कोई चाहे पुराण या पुराण को चाहे, कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। अपने भले बुरे काम में भूले, इतने ही अपने भले बुरे काम में भूले, कुछ नाम में भूले हैं कोई मान में भूले, कुछ नाम में भूले हैं कोई मान में भूले, हजार लाख जोड़ दाम में भूले, कोई हजार लाख जोड़ दाम में भूले, जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले, जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले, भूले नहीं वो जो दया निधान को चाहे, भूले नहीं वो जो दया निधान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, 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 भगवान को चाहे। तो आप सभी जो यहां पर आए हैं, आप साधारण मति के धनी नहीं हैं, आप असाधारण मति के धनी हैं, इसीलिए सत्संग की जगह पर आकर बैठने की इच्छा हुई।